महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी घमासान जारी है। शिवसेना पर संकट के बादल अब और भी ज्यादा गहराते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शिवसेना हार मानने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी पार्टी का अस्तित्व बचाने की जुगत में लगी हुई है। इस बीच उद्धव और शिंदे गुट के बीच लगातार जुबानी जंग भी जारी है। एक बार फिर संजय राउत ने बीजेपी और शिंदे गुट पर निशाना साधा है, तो क्या कहा है संजय राउत ने, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना के ऊपर से संकट के बादल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ये संकट गहराता ही जा रहा है। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने एक नाथ शिंदे के साथ मिलकर बगावत का बिगुल फूका, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब उद्धव ठाकरे गुट में केवल 15 विधायक बचे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे पर इस समय पार्टी के अस्तित्व को बचाने का दबाव भी है, जिसके लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग की शरण में है। सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत लगातार शिंदे गुट और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस बार संजय राउत ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर कुछ शायराना अंदाज में हमला बोला है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उन्होंने अपने इस ट्वीट के आखिरी में जय महाराष्ट्र भी लिखा है। संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र के जरिए कई बार बीजेपी और महाराष्ट्र की नई सरकार पर निशाना साध चुके हैं, कई बार शिंदे गुट को मध्यवर्ती चुनाव के लिए चुनौती भी दे चुके हैं, तो कई बार उनकी बगावत को लेकर तंज भी कसे हैं। इतना ही नहीं, अब तो शिवसेना ने सामना के जरिए बढ़ती महंगाई, GST और 18 जुलाई से रोजमर्रा की चीजों पर लगाए गए GST को लेकर भी हमला किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।